समझती नहीं है? औड़न है लेकिन हसीन है। तो फिर एक काम करो, पहले उसका हाथ पकड़ो, फिर एक अच्छा सा कोना पकड़ो, फिर उसको पकड़ो, फिर जकड़ो और कह दो आई लव यू। ऐसा करने से रायता बहुत फैल जाएगा। उसका जो बाप है बहुत बड़ी चिरांत है, बहुत बड़ी चिरांत है। तो पहले बाप को पटा लो। वही तो कर रहा हूं। नहीं, अभी आपने कहा कि बाप को पटा लो, तो अब कोशिश करूंगा बाप को पटाने की। जो करना है जल्दी करो, वरना बाद में मालूम पड़ा कि हाथ में सिर्फ खुइयां रह जाएंगी, खुइयां। इतनी मेहनत की और हाथ खाली के खाली। चलो बनाओ एक और, लेकिन जरा स्ट्रांग बनाना इस बार। और कितनी स्ट्रांग बनाऊं, नींद चल रही है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। बैठो। देख रही हो अपने पिताजी की हरकतें? अक्का हरकतें? भभूति जी के साथ कैसे हंसी मजाक कर रहे हैं, और असली दामाद हम हैं, लेकिन हम में तो जैसे कांटे लगे हुए हैं। कांटे नहीं, लेकिन कच्चे बनियान लगे हैं ना। क्या? हाँ, तो आपको तो पता है हमारे पिताजी को आपके बिजनेस से कितनी नफरत है। काहे काहे नफरत है हमारे कच्चे बनियान के बिजनेस से? हम कच्चे बनियान का बिजनेस कर रहे हैं, चरस गांजा नहीं बेच रहे हैं। हाँ, तो काहे आप उनको झूठ बोले कि आपका गवर्नमेंट का बिजनेस है? गवर्नमेंट नहीं, गारमेंट्स होता है पगली। सही पकड़े हैं, अब काहे बोले झूठ? अरे हम झूठ कहाँ बोले, हम तो सच बोले कि हमारा अंडर गारमेंट्स का बिजनेस है। तो उन्होंने काहे गारमेंट का बिजनेस सुना? क्या है कि हम अंडर को साइलेंट रखे थे। आप भी ना, अभी आप एक काम कीजिए। का? आप उनसे माफी मांग लीजिए। अरे नहीं नहीं, हम तुम्हारे पिताजी से माफी माफी नहीं मांगेंगे। अब काहे माफी नहीं मांगेंगे? अरे जब देखो तब वो किसी के भी सामने हमें बेइज्जती कर देते हैं। आ तो थोड़ी बेइज्जती हो गई तो क्या हुआ? क्या बोली? बाबा वो भी बुजुर्ग है ना। बुजुर्ग है लेकिन बहुत अलग टाइप के बुजुर्ग हैं। अरे ऐसी भी क्या नफरत यार कि पट्टे ने कच्चे बनियान तक पहनना छोड़ दिया। अब देखिए देखिए लड्डू के भैया, इस बार हमारा मन कह रहा है कि वो आपको माफ कर देंगे, उनका गुस्सा चला जाएगा, आप माफी मांग लीजिए ना। तुम भी ना, अंगूरी कसम से। आपको हमारी कसम। ठीक है, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है कि तुम्हारे पिताजी भाभी जी के सामने हमें बेइज्जत करें तो यही सही है। हाँ, ये सही है। अंकल यू आर वेरी फनी। बेटा जब अंगूरी पैदा हुई थी ना, तो इतनी मासूम दिखती थी, इतनी मासूम दिखती थी कि उसके मासूम चेहरे को देखकर डॉक्टर ने हॉस्पिटल का बिल दिया। जी? डॉक्टरों ने हॉस्पिटल का बिल लेने से इनकार कर दिया उसके मासूम चेहरे को देखकर। भाभी जी की मासूमियत तो आज भी बरकरार है, आज भी वो उतनी आज भी वो उतनी मासूम लगती है। वैसे अंकल आप करते क्या हैं? बेटा हमारा साड़ियों का कारोबार है। वेरी नाइस। और अंगूरी जितनी भी साड़ियां पहनती हैं सब हमारी फैक्ट्री की बनी हुई हैं। वाव अंकल, फिर तो आपकी फैक्ट्री में बहुत सुंदर साड़ियां बनती हैं। मैं तो अंगूरी जी को उनकी हर साड़ी पे कॉम्प्लीमेंट देती हूँ। एक्चुअली भाभी जी के बदन पे वो साड़ी पड़ते ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। हाँ
हमारी अनु भी बहुत अच्छी लगती है साड़ी में, बिकॉज शी हैज अ नाइस फिगर। ओह माय गॉड, डैडू डैडू। और बेटा तुम कहाँ हो? तुम्हारा वेट कर रहे हैं खाने के लिए, आओ खाना खाओ। आइए भाभी जी, आइए ना प्लीज, कम ऑन जॉइन अस। बैठिए ना अंगूरी जी। अरे आओ ना बेटा, खाना खाओ। और डैडू क्या हुआ, इतना सकुचा क्यों रही हो, बात क्या है? लड्डू के भैया आ जाइए, माफी मांग लीजिए, डैडू माफ कर देंगे। डैडू माफ कर देंगे, माफी मांगो। प्रणाम पिताजी। मेरे पास बताना और मुझे छूने की जरूरत नहीं है। हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो आप हमसे इतनी नफरत कर बैठे? सबसे बड़ा गुनाह तुमने ये किया है कि तुम इंसानों में पैदा हो गए हो। अच्छा, तो मतलब हम इंसान नहीं है? नहीं हो, तुम्हें खजेले बैल हो। देख रही हो अंगूरी, तुम्हारे पिताजी भाभी जी के सामने हमें खजाना बैल बोल रहे हैं। तो क्या बोलूं, प्रिंस चार्मिंग बोलूं तुम्हें या नवाब सिराजुद्दौला बोलूं? लौंडा लौंडा लौंडा। दबा तो रहा हूं, पैर कहां है? क्या हुआ? नींद नहीं आ रही थी तो मैं यहां सो जाऊं इस कमरे में। ये कह रहे हैं कि इनको नींद नहीं आ रही अकेले, तो पूछ रहे हैं क्या यहाँ पे सो जाए? हाँ मतलब दोनों के बीच में लेट जाऊंगा। अंकल ये ना, ये एक्चुअली हमारा बेड ना बड़ा कमजोर है। नहीं, दोनों के बीच में आराम से सो जाऊंगा। नहीं, आइए मेरे साथ आइए, बीच में सो जाऊंगा, मैं इंतजाम करता हूँ, आइए मेरे साथ। थैंक गॉड, नहीं तो यही सोने की फराक में थे। चीप है अंकल, आपको अकेले सोने में डर लगता है क्या? नहीं डर नहीं लगता लौंडे, लेकिन नींद नहीं आती है। वो क्या पिछले 30-35 सालों से आंटी के साथ सोने की आदत है ना। आंटी? अंगूरी की माँ। अच्छा अच्छा, तो रात को कुछ मतलब दिल करता है कि मैं समझ गया। आइए आइए आइए, मैं करता हूँ इंतजाम आपका। ये लेटी, आइए, ये अतरी चप्पल, हाँ ये लीजिए, ये हो गया आंटी। हाँ अब आप आग बंद कीजिए और सो जाइए। तो तुम कहाँ सो गए लौंडे? बस एक लेट लूंगा, टेंशन मत लीजिए आप मेरी। अच्छा सुनो, लेकिन अगर आप इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिए मुझसे। नहीं बोले, एक छोटा सा। अगर माफ कीजिएगा, काफी कैपेसिटी है आपके। ऊपर वाला मेहरबान है।
पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।